बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बास टाइम कोई ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें हमारे पास काफी नाम एक से ज्यादा दफा मौजूद है। पहले रिकॉर्ड को देख लें, फिर क्या करना है मैं बताता हूँ इसमें। अब जैसे ये एक डेटा बना हुआ है, सिटी, रीजन, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास सेम है और अलग अलग जगह पे हमारे पास इसका रिपीट हुआ हुआ है रिकॉर्ड, लेकिन हमें उतने ही टाइम जितनी दफा रिपीट हुआ हुआ चाहिए डेटा के साथ। और यूनिक का हमें टोटल निकालना है, यानी एक ईच प्रोडक्ट का ये सेम डेटा यहाँ पे भी रिपीट हुआ हुआ है, और इसका प्रोडक्ट का ईच, यानी हर जहां जहां पे ये आइटम आ रहे हैं, अगर हम फिल्टर लगा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर हम फिल्टर रिकॉर्ड के ऊपर आए और यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, तो ये अलग अलग टाइम पे हमारे पास रिपीट हुआ हुआ है और इसी को हमें रिमूव नहीं करना। और रिमूव डुप्लीकेट करके तो हम टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसी कंडीशन में जहां जहां जो जो रिकॉर्ड है सेम, इसकी सेल्स रिकॉर्ड रिपीट हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन में हमें हर आइटम का यूनिक टोटल निकालना है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा बगैर डेटा रिमूव किए हुए? और इसको अगर हम अरेंज की बात करें तो यहाँ पर हम ए टू जेड अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखें, ये प्रोडक्ट अरेंज होकर एक साथ आ रहे हैं नाम, और इसमें सारे इसके अमाउंट इसके साथ सेम आ रहे हैं, जो जो यानी प्रोडक्ट अमाउंट सेम है। ठीक है जी, कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ। तो इसी कंडीशन में हमें इसको टोटल करना है, यानी हर एक ईच आइटम का जो अमाउंट है उसका टोटल निकालना है इस डेटाबेस के अंदर से। तो बगैर कुछ भी किए हुए डेटा के ऊपर या डेटा के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ किए हुए, आप सिर्फ एक फार्मूले से डायरेक्ट ये काम किस तरह से कर सकते हैं ये मैं इसमें बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, सम प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब एरे में हम अगर इसको वन डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिक आइटम को देखेगा इसके अंदर कॉलम में, और इसके साथ ही हम लगा देंगे काउंट इफ। काउंट इफ के बाद रेंज, रेंज के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर प्रोडक्ट कॉलम, यानी जिस कॉलम से आपको टोटल करना है उस कॉलम को ऑल, आप ऑल एंटायर सेलेक्ट करो। मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए तो मैंने ऑल एंटायर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, ये हो गया रेंज काउंट इफ में। और फिर कॉमा क्राइटेरिया के अंदर भी यही फर्स्ट सेल से एंड तक सेल सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया भी यही हो जाएगा। और इसके साथ ही जो अदर होंगे उनको इग्नोर करने के लिए क्राइटेरिया के साथ, ये जो हमने डबल दोनों दफा इसी कॉलम को सिलेक्ट किया है काउंट इफ में, क्राइटेरिया के साथ हम कॉन्केटिनेट एंड फंक्शन के साथ इसको दो ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा के लिए इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर देंगे, एंड फंक्शन के साथ दो इन्वर्टेड कॉमा दो दफा, और इसके साथ काउंट इफ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे तो एरे टू। अब एरे टू में इसके अंदर जो नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं एक से ज्यादा, उनका सिर्फ वन वन टाइम नाम को चेक करते हुए उनका टोटल उठाए गए यहाँ से। तो एरे टू के अंदर आप यहाँ पर आएंगे ऑल, और ऑल कॉलम एंटायर सेल का सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और टोटल ये सेल इस डेटा के अंदर जो एक एक ईच प्रोडक्ट है जो मल्टीपल मल्टी टाइम रिपीट हुई हुई है, इसके अंदर अलग अलग रॉ में मल्टीपल रॉ में जो रिपीट है उसको इग्नोर करते हुए वन वन टाइम हर नाम को उसने एक जगह टोटल में ले लिया। अब इसका ये सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे, या फिर इसको हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके यहाँ से करते हैं रिमूव, सिर्फ टेम्परेरी में अभी से चेक करने के लिए कंफर्म के रिकॉर्ड से आ रहा है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे प्रोडक्ट की, ये आ गई हमारी, और ऑल्टर एंटर करेंगे तो यही हमारा टोटल यहाँ पर आ रहा होगा डबल के लिए। ठीक है जी, देखें ईच प्रोडक्ट का टोटल ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से दोनों सेम टोटल आ रहे हैं, इसी को मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमने काम डायरेक्ट बगैर किसी डेटा के अंदर कुछ काम किए हुए डिलीट, एडिट या ऐड, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमने टोटल निकाल लिया कि उनका जो ग्रैंड टोटल है ईच प्रोडक्ट का जो मल्टी टाइम रिपीट है उनका क्या टोटल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सेशन क्यूरियस के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर लें।
फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह।